क्या वहाँ पे जो उनका स्कूल सिस्टम था, स्पोर्ट्स वगैरह चीज इस तरह की चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा ठीक है जी जी। लेकिन हमारे यहाँ के कश्मीर वाले हिस्से पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इवन के वहाँ पे जो हमारे जो टूरिस्ट जाते हैं ना, उनके लिए उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। हम दोगले हैं, हम सिर्फ उसको अपनी ईगो की वजह से ना अपने साथ होना चाहते हैं कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जबकि आपके पास जो आज़ाद पाकिस्तान है ना, आपने उसका क्या हाल कर दिया, ये भी तो देखें। शायद देखा वहाँ मस्जिद भी देखी होगी, मंदिर भी देखा होगा शायद। बिल्कुल, तो हमारे तो अपने जो कंट्री है ना, जिसको हम आज़ाद कहते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी जो इस तरह की चीज़ें हैं ऊपर जाने की बजाय, वो उतनी तेज़ी के साथ डाउन होती जा रही हैं। एज़ कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में हर चीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उतनी ही फील्ड्स डाउन जा रही हैं। और अगर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मिलें या इंडिपेंडेंट अपना मुल्क, अपनी रियासत कायम करें और उसके थ्रू हम ग्रो करें, तो हमें उनको दे देना चाहिए। अब ये इस ना चीज़ से निकल आना चाहिए कि आप हमारा हिस्सा हो, हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारे साथ इंगेज रहो। उसको हिस्सा बना के क्या कर लेंगे, जबरदस्ती करके क्या ही कर लेंगे। बिल्कुल, और हम अपने पाकिस्तान में क्या चीज़ें कर रहे हैं जो अब हम उनके लिए करेंगे। हम तो फंड्स लेके, मतलब खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक बन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान हूँ, आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के वैसे तो बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं कश्मीर हम लेकर रहेंगे, लेकिन एक पाकिस्तानी लड़की है जिसने भारतीय कश्मीर को देखा है, उसके बाद में उसका कहना है कि भैया जो कश्मीर है उसको भारत को दे देना चाहिए, हमारा वाला जो कश्मीर है उसको भी भारत को दे देना चाहिए। तो पहले हम इनकी बातें सुनते हैं। वीडियो है निमराय अहमद ऑफिशियल का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। हाँ, असेंबली में पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। वहाँ लड़ाई पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए हो ही नहीं रही। अच्छा, तो उनका ये है कि हमें इंडिया का इस साइड पे जाना है। एक बंदे ने ही बैनर उठाया हुआ था बस। अच्छा, देखिए मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो पाकिस्तान का ही पार्ट है, उसको पाकिस्तान का ही पार्ट रहना चाहिए। कश्मीर हमारे हिस्से में कब आया था? कश्मीर मुझे तो लगा ही नहीं को कभी हमारा उस तरह से ऑफिशियली हिस्सा रहा है। ठीक है, लेकिन वो जब पाकिस्तान के हालात देखते हैं, जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दिखने में ठीक है, अच्छा, तो फिर वो यही कहते होंगे कि इंडिया हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है पाकिस्तान से। हाँ। तो शायद उनको अपना इसमें बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें उनके साथ जाना है। आपको लगता है इंडिया उनको फैसिलिटेट कर रहा है? शायद कर रहा हूँ। मैंने एक साल पहले विज़िट किया था, तो जिस एरिया में मैं गई थी ना, उसके बिल्कुल साथ ही हमारा जो कश्मीर LOC पे, ठीक है, मैंने देखा था हमारे यहाँ उनके यहाँ बहुत ज़मीन आसमान का वाजिया फ़र्क नज़र आ रहा था। वहाँ का जो कश्मीर था वो डिवेल्प्ड नज़र आ रहा था, जो हमारे वाली साइड थी वो बहुत बुरे उसके हालात, ठीक है। तो अगर कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हमें इस तरह से इंडिपेंडेंट चलना है या इंडिया के साथ चल के अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तो मेरे ख्याल से उनको स्पेस देनी चाहिए। वहाँ पर आपने उनके घरों पर तिरंगा इंडिया का झंडा लगा हुआ देखा? देखा था। वो कैसे लगा दिया फिर उन्होंने? पता नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों पे मैंने देखा था। ठीक है, मैं तो खुद विज़िट कर चुकी हूँ। ठीक है, वहाँ पे जो उनका स्कूल सिस्टम था, स्पोर्ट्स वगैरह चीज इस तरह की चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा ठीक है जी जी। लेकिन हमारे यहाँ के कश्मीर वाले हिस्से पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इवन के वहाँ पे जो हमारे जो टूरिस्ट जाते हैं ना, उनके लिए उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ तो नेट नहीं चलता, स्पेशल सिम खरीदो। नहीं, वहाँ पे सिम चलती ही नहीं है, बस किसी एक के पास होती है। अब हर बंदा, हर टूरिस्ट तो नहीं ना जाके खरीद सकता 2 दिन के लिए। आपको सामने तो 5G टावर है। यस, इंडिया वाले, आपने शायद देखा वहाँ मस्जिद भी देखी होगी, मंदिर भी देखा होगा शायद। बिल्कुल, तो हमारे तो अपने जो कंट्री है ना, जिसको हम आज़ाद कहते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी जो इस तरह की चीज़ें हैं ऊपर जाने की बजाय, वो उतनी तेज़ी के साथ डाउन होती जा रही हैं। गैस देखी है आपने कश्मीर में, या सिलेंडर ही देखे? गैस मेरे ख्याल से थी, गैस कहीं पर भी नहीं है। सिलेंडर वो जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी लकड़ियाँ जलाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आपका मेन क्वेश्चन था ना, अगर वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली ग्रो करें, ठीक है,
पाकिस्तान के साथ लिंक रहे बगैर, तो मेरे ख्याल से थोड़ा ब्रॉड जाके ना हमें उनको स्पेस देनी चाहिए। वो हमारे तो नारे लगा ही नहीं रहे ना, एक 1990s का वक्त था जब यासीन मलिक वहाँ होता था तब नारे लगते थे। अब तो आपको शायद पता हो उनका ना घंटाघर लाल चौक था बहुत बड़ा, वहाँ पाकिस्तान का झंडा उन्होंने ऊपर लगा दिया था, लेकिन अब वो सारी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है। सही, हाँ यासीन मलिक ने बहुत काम किया है, उनकी मिसेस ने भी बहुत काम किया है, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती थी। अब तो मुझे कभी कभी, मैं खुद बैठे मुझे कभी ख्याल आता है ना, तो मैं कहती हूँ यार हम तो जैसे कश्मीर को भूल ही गए हैं, हमें तो अपने मसलों से निकलने की फुर्सत नहीं है। हम उस कश्मीर को लेकर क्या करेंगे? पर्सनली मुझे बताएं, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये सोचती हूँ कि हम क्यों उसके नारे लगाते हैं, हमसे उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही क्या? हम दोगले हैं, हम दोगले हैं, हम सिर्फ उसको अपनी ईगो की वजह से ना अपने साथ होना चाहते हैं कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जबकि आपके पास जो आज़ाद पाकिस्तान है ना, आपने उसका क्या हाल कर दिया है, ये भी तो देखें। खुश होना चाहिए कि अगर वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, हमारे मुसलमान खुश हो रहे हैं, हमें तो खुश होना चाहिए, हम अपनी ईगो की खातिर क्या क्या ख़राब करेंगे? बिल्कुल यही बात कर रही हूँ, बींग अ साइकोलॉजिस्ट भी किसी भी पर्सपेक्टिव पे कोई भी इंसान है ना वो ग्रो करना चाह रहा है, और हमारी ऐसी चीज़ें जो उसको ग्रो करने से रोक रही हैं, तो हमें उसको ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। हमारे कश्मीरी बगावत कर रहे हैं, आपको पता है? अब जो आज़ाद कश्मीर के वो कह रहे हैं, पता है कितना वहाँ बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है? नहीं सॉरी, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, बस आपने वो जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैंने उससे रिलेटेड ये कहा है। और एज़ कंपेरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में हर चीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतनी ही फील्ड्स डाउन जा रही हैं। और अगर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मिलें या इंडिपेंडेंट अपना अपना मुल्क अपनी रियासत कायम करें और उसके थ्रू हम ग्रो करें, तो हमें उनको दे देना चाहिए। अब ये इस ना चीज़ से निकल आना चाहिए कि आप हमारा हिस्सा हो, हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारे साथ इंगेज रहो। मैंने लास्ट ईयर भी चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि वहाँ के लोग ज़्यादा आज़ाद खुश हैं, और वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके ज़्यादा खुश हैं कि हम इनके थ्रू कम से कम ऊपर तो जाएंगे ना। अब बहुत ज़्यादा ये पर्सपेक्टिव मैंने जहाँ तक देखे हैं ना चेंज हो रहे हैं, और मेरा अपना भी यही है कि अगर वो ग्रो ऐसे कर रहे तैसे ठीक है, हम उसको हिस्सा बना के क्या कर लेंगे, ज़बरदस्ती करके क्या ही कर लेंगे। बिल्कुल, और हम अपने पाकिस्तान में क्या चीज़ें कर रहे हैं जो अब हम उनके लिए करेंगे? हम तो फंड्स लेके, मतलब खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक बन। दोस्तों आपने वीडियो देखा और आपको चीज़ों का आइडिया हो गया होगा कि जब पाकिस्तान के लोगों से फैक्ट के ऊपर बात की जाती है तो कोई रिजल्ट इस तरीके का निकल के आता है। जैसे कि लड़की ये थी पहले कह रही थी कि जो भारतीय कश्मीर है वो पाकिस्तान का है, लेकिन जब यहाँ पर इनसे न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि किस तरीके से पाकिस्तान का है, कब डिक्लेयर हुआ कि पाकिस्तान का है, तो कहने लगी ये हमें नहीं पता। लेकिन जब इनसे कंपेरिजन पूछा गया, क्योंकि ये गई हुई है पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर घूमने के लिए गई थी, तो इन्होंने भारतीय जो एरिया है उसका डेवलपमेंट देखा, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी की सुविधाएं हैं उनको देखा, और स्कूल देखे, हॉस्पिटल देखे, इसके अलावा जो मंदिर है, मस्जिद है, और वहां पर जो अजान होती है शायद वो भी इन्होंने सुनी होगी। तो जाहिर से बात है इनके दिमाग के अंदर एक जरूर क्वेश्चन आया होगा कि भैया जो हमें बताया जाता है कि कश्मीर के अंदर तो अजान हो ही नहीं सकती है वो बिल्कुल गलत है, इसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो देखकर भी इनके दिमाग के अंदर आया होगा कि हमें तो बताया जाता है कि यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन सिनेरियो कुछ उल्टा नजर आ रहा है। जो पीओके है वहां के लोग आटे के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, बिजली के लिए लोग खम्भे उखाड़ देते हैं, पाकिस्तान के आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर मारते भी हैं, इस तरीके के बहुत सारे वीडियो कुछ समय पहले आ चुके हैं। और भारतीय जो कश्मीर है यहाँ पर लोग शांति से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, डेवलप हो रहा है, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये सब कुछ जब दिखाई पड़ता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि भैया वो सही है तभी डेवलप हो रहा है और हम गलत हैं, तभी हमारा जो पीओके है वो डेवलप नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो निष्कर्ष निकल के आता है पाकिस्तानी यूथ का वो ये होता है। लेकिन आप जैसे ही उनसे बात करना स्टार्ट करेंगे वो कहेंगे भैया हम कश्मीर लेकर रहेंगे और कश्मीर हमारा है, क्योंकि ये सब किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि कश्मीर इनका है, और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कश्मीर इनके हिस्से में आया था, ये सब पूरी रटी रटाई हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की किताबों के अंदर पढ़ाई जाती है। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सबसे पहले कहते हैं कश्मीर हमारा है, लेकिन जब फैक्ट एंड फिगर पर बात की जाती है तो बहुत से बड़े बड़े जाहिल लोग मैंने देखा है वो ये कहते हैं कि भैया कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाना चाहिए जिससे वो डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके लोग, और कश्मीर भी आगे बढ़ सके, दुनिया जो है वहां पर घूमने के लिए आ सके।
लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मतलब पाकिस्तान के लोग कहते हैं, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पूरा पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कश्मीर भी नीचे की तरफ ही जा रहा होगा। इस वजह से लोग कहने पर आज मजबूर हो गए हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।